फरीदाबाद के करीब नवाई गांव खैरपुर जूसे में पेश आने वाले वाक्य पर पीपल्स पार्टी के एमपीए गवर खान इसरान के वालिद शहीद इसरान ने अपनी सिक्योरिटी गार्डों के साथ मिलकर सियाल बिरादरी के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद एमपीए के वालिद अपनी सिक्योरिटी गार्डों के साथ मिलकर सियाल बिरादरी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की तो सियाल बिरादरी के औरतों और बच्चों ने कुरान पाक हाथों में उठाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलियां लगने से एक खातून फहमीदा सियाल मौके पर ही जान बाँक हो गई और चार अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। कत्ल होने वाले खातून के वर्षा से ताजियत करने के लिए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली मादल शेख और रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर पीडीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मसरूर सियाल लाड़काना का सदर समीउल्लाह अबड़ो आगा मौला बख्श पठान हाजी निसार आरायन उम्मीर रुबाब चांडियो पीटीआई कंबल शहजादपुर के रहनुमा नाहिद खावट और दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की वडेरों की हुकूमत ही और वडेरा शाही ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अफसोसनाक वाक़ा पेश आया कि पीपल्स पार्टी के एमपीए गंवर खान इसरान के वालिद शहीद इसरान ने अपनी अदालत लगा दी और अपनी पड़ोसी सियाल बिरादरी के प्लाट पर कब्जा करने की जब सियाल बिरादरी ने उनको रोका तो मुलजमान ने सियाल बिरादरी के घर में दाखिल होकर सीधी फायरिंग करके एक खातून फहमीदा सियाल को कत्ल कर दिया था। अली मादल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी नोटिस लिया, उनके हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो कत्ल होने वाले खातून के वर्षा से बात हुई तो उनका कहना था कि पुलिस की सरबराही में हमारे घर पर फायरिंग की गई थी और उस पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करने के बजाय कत्ल होने वाली खातून के वर्षा को गिरफ्तार करके एमपीए के रहायशगाह पर लेकर गई थी और उनके ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया है। कौन सी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मामले का नोटिस लें और एमपीए गंवर खान इसरान की नुमाइंदगी को फौरी तौर पर ख़त्म करके उनके कार्रवाई करने का हुक्म दिए। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सियाल बिरादरी के साथ है।